माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नॉलेज इज पावर, वी गिव पावर टू योर चाइल्ड। वी आर पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़। वी प्रोवाइड 360 डिग्री स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स फॉर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स। स्पेशल ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ एथलेटिक्स। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 8, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। पुलिस महकमे में व्यापक पैमाने पर फेरबदल हुआ है। जिले में 3 साल से अधिक तैनाती वाले कई निरीक्षक और उप निरीक्षकों का गैर जनपद स्थानांतरण हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने जिले में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। निहार नंदन कुमार को पुलिस लाइन से थाना अध्यक्ष सिधारी बनाया गया है। ज्ञानू प्रिया को नई किरण प्रोजेक्ट से महिला थाना का प्रभार दिया गया है। संदीप कुमार यादव को यूपी 100 प्रभारी से हटाकर महाराजगंज थाना अध्यक्ष, संजय कुमार सिंह को पुलिस लाइन से SO निजामाबाद, राजेश यादव को प्रभारी निरीक्षक पवई से प्रभारी निरीक्षक महनाजपुर, विजय प्रताप सिंह को क्राइम ब्रांच से प्रभारी निरीक्षक सरायमीर, दिनेश पाठक को SO महाराजगंज से थाना अध्यक्ष रौनापार, मनोज कुमार सिंह को प्रभारी थाना सरायमीर से थाना अध्यक्ष दीदारगंज, संजय कुमार को थाना अध्यक्ष दीदारगंज से थाना अध्यक्ष पवई, गिरिजेश प्रताप सिंह को थाना अध्यक्ष रौनापार से वरिष्ठ उप निरीक्षक मेहनगर और मधुपनिका को प्रभारी महिला थाना से नई किरण प्रोजेक्ट का प्रभारी बनाया गया। अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को समस्त अधिवक्ता संघों से जुड़े अधिवक्ता सड़कों पर रहे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जो अधिवक्ता हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा के नारों के साथ हल्ला बोलते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को नामित अपना ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। अपनी सात सूत्री मांगों के जरिए अधिवक्ताओं ने जहां प्रधानमंत्री को उनके वादों की याद दिलाई, तो वहीं अधिवक्ता भवन, पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, शौचालय, इंटरनेट की सुविधा, अधिवक्ताओं व उनके आश्रितों का बीमा, स्टाइपेंड, सस्ते दर पर आवासीय सुविधाएं, पेंशन व पारिवारिक पेंशन की मांगें मुख्य रूप से उठाईं। सेंटर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आद्या प्रसाद सिंह ने कहा कि अधिवक्ता देश के लोकतंत्र का पहरेदार है, उसके कल्याण के लिए सरकार को आगे आना ही होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर आज पूरे राष्ट्र के सभी अधिवक्ता संघ के अधिवक्तागण, सभी अधिवक्ता सड़कों पर हैं। अपनी सात सूत्री मांगों के समर्थन में अब ये उन्होंने आह्वान किया है और उसे एक अंगड़ाई लेते हुए अपनी कार्यवाही को सुनिश्चित कराने की बाबत माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक ये आवाज़ जाए। यह न हो कि वायदे हों और पूरे न हों। भाषण दे करके अधिवक्ताओं को यह कह देना कि नहीं, आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है, आज अधिवक्ता सड़क पर
अपनी मांगों के समर्थन में पूरे राष्ट्र के अधिवक्ता आज सड़कों पर ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। वादकारी हित में काम करने वाला अधिवक्ता जो एक पहरेदार, लोकतंत्र का पहरेदार होता है और लोकतंत्र के पहरुओं पर निगाह न करना सर्वथा ये अमानवीय दृष्टिकोण होगा। इसीलिए आज हम सड़कों पर हैं और माननीय प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि अन्य सरकारों की तरह, प्रदेश सरकारों की तरह, आपने जो वादा किया था गांधी भवन गुजरात में, गांधी मंदिर गुजरात में जो वादा किया था कि अधिवक्ताओं की बातों को हम ध्यान में रखते हुए प्राविधानित करेंगे, वैश्विकरण करेंगे, लेकिन परिस्थितियां कुछ विषम हैं। देश का प्रधानमंत्री सड़कों पर घूम घूम करके हर मीटिंग में कहता है कि मैं चौकीदार हूँ, और यह भी पार्लियामेंट में आप कहते हो कि उल्टा चोर चौकीदार को डांटे, तो मैं तो लोकतंत्र का पहरेदार हूँ, मुझे आप धोखा देकर के डांट रहे हो, मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं पहरेदार हूँ, आप चौकीदार हो, दोनों का हक है भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने का, इसीलिए हम सड़क। गरीबों, दलितों, नौजवानों के शुभचिंतक सादगी ईमानदारी की प्रतिमूर्ति रहे प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिला परिषद अध्यक्ष, सांसद, विधायक, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे स्वर्गीय बाबू शिवराम राय की 22वीं पुण्यतिथि पर इस सभा का आयोजन सोमवार को नेहरू हॉल के सभागार में किया गया। बाबू शिवराम राय स्मृत सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित हुई पुण्यतिथि में पालिका अध्यक्षा शीला श्रीवास्तव, उनके प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव हनी, पूर्व सांसद बलिहारी बाबू, अवध नारायण राय, जयप्रकाश राय, लालसा राय, अनिल सिंह, बलबीर राय, आरपी राय, मनबोध यादव सहित तमाम लोगों ने बाबू शिवराम राय के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके विचारों, कार्यों को नमन किया। संस्थान के अध्यक्ष आरपी राय ने कहा कि बाबू शिवराम राय जैसा ईमानदार व्यक्ति ढूंढने से भी मिलना मुश्किल है। इस सभा का आयोजन भी इसी उद्देश्य के साथ किया गया है कि लोग उनके कार्यों, विचारों, सोच से प्रेरणा लें, जन जन तक कर्तव्य निष्ठा, देश प्रेम, सादगी व ईमानदारी का संदेश पहुंचाने का काम करें। स्मृत संस्थान है और वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी यादगार में ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है। और बाबू शिवराम राय जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वह सांसद ही नहीं रहे बल्कि जिला पंचायत के 4 बार अध्यक्ष रहे, विधानसभा में भी गए वो, और उसके बाद सबसे बड़ा था कि अंग्रेज़ों ने उनके मकान को ध्वस्त कर दिया था, जला दिया था, गेहूं चावल तक भी नहीं छोड़ा था। और उनकी ईमानदारी का ये परिचय है कि पूरे देश में बाबू शिवराम राय जैसा ईमानदार व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग बाबू शिवराम राय की 22वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज में कम से कम ऐसे ईमानदार व्यक्तियों का संदेश जाए। सभा के दौरान संस्थान द्वारा पालिका अध्यक्षा शीला श्रीवास्तव, पूर्व सांसद बलिहारी बाबू, कवि प्रभु नारायण पांडे प्रेमी सहित मनबोध यादव, जो कि शिवराम राय के ड्राइवर थे, को सम्मानित किया गया। इस दौरान स्वर्गीय राय के प्रपौत्र व सभासद अराजीबाग के प्रतिनिधि पुनीत राय ने कहा कि उनके परदादा की ख्याति में सभी शब्द कम हैं। आज मेरे परदादा जी की पुण्यतिथि है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और सन 42 से लेकर सन 70 तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे। इनकी कसौटी में, इनकी ख्याति में जितने शब्द कहे जाएं वह कम है। चूँकि यह मेरे परिवार के हैं इसलिए मेरे मुखाबिंदु से यह शोभित नहीं है, फिर भी मैं कुछ बिंदुओं पर इन पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे जब आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के जिलाधिकारी ने इनका घर, मकान और धन संपदा, राशन और जितने भी सांसारिक जीवन में यूज करने वाली चीज़ें होती सबको जो उन लोगों ने जलवा दिया, उसके बाद भी परिवार का मुंह न देखते हुए भी अंग्रेज़ों की आने जाने वाली सेनाओं की आने जाने वाली पटरियों को इन्होंने काटने का कार्य किया। 7 बार आज़ादी से पूर्व वह नज़रबंद किए गए, जेल में गए और कालापाई तक की सज़ा उन्होंने झेली, फिर भी उन्होंने अपने परिवार और समाज के सापेक्ष एक नेतृत्व करने का काम किया। इस जनपद में
एक बड़ी शख्सियत आज हम यहाँ जिस नेहरू हॉल में खड़े हैं, यह भी उन्हीं। यूपी और उत्तराखंड में जहरीली शराब के सेवन से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के सहारनपुर और कुशीनगर जनपद के कई गांवों में जहरीली शराब का जमकर तांडव चल रहा है। जहरीली शराब के कहर से आजमगढ़ जनपद भी अछूता नहीं रहा है। 2009, 2013 और 2017 में जिले के अलग अलग इलाकों में कई दर्जन लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हो चुकी है। ऐसे में सहारनपुर और कुशीनगर की घटना के बाद जनपद पुलिस अपनी घटना रोकने के लिए अलर्ट है। आजमगढ़ परिक्षेत्र के डीआईजी विजय भूषण ने बताया कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। रविवार के दिन 45 स्थानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब के साथ ही हरियाणा और पंजाब से लाई जा रही अवैध शराब बरामद की गई। उन्होंने बताया कि जिले के बड़े शराब माफिया जेल में हैं, बावजूद इसके हम सतर्क हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि आजमगढ़ में 2009 में, 2013 में और 2017 में बड़ी गंभीर घटनाएं हुई हैं और इसी के तहत ही विभिन्न जितने भी इसमें अपराधी लिप्त रहे हैं। 2017 की घटना में जो भी हार्ड क्रिमिनल्स थे उनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई हुई है, वो समस्त लोग जेल में हैं और सब अभी विगत 3 दिनों से क्रैकडाउन हो रहा है। अगर आप देखें तो आज 45 जगह पर इस तरीके से जनपद आजमगढ़ की पुलिस ने काम किया है, जिसमें कि शराब, कच्ची शराब को पकड़ा है और वो शराब जो कि हरियाणा से और पंजाब से यहाँ तक चलकर पहुँचती है उन सबको किया गया है, जो उनके मेन उसके अंदर बहुत सारे बिचौलियाँ हैं। सबसे बड़ी बात है वो पूरा सिस्टम को क्रैक करना, तो काम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है और आपको आने वाले दिनों में हम अच्छे परिणाम देंगे और कार्रवाई कर रहे हैं कि यहाँ पर अब कोई घटना घटित नहीं है। रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकमेउमा गांव निवासी एक बुजुर्ग ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायती पत्र सौंपा और परिवार पर जान माल का खतरा बताते हुए सुरक्षा मुहैया कराने की मांग किया। पुलिस अधीक्षक को दिए गए ज्ञापन में चकमेउमा गांव निवासी राम प्यारे यादव पुत्र स्वर्गीय सीताराम यादव ने बताया कि चौहान बस्ती के रहने वाले कुछ दबंग किस्म के लोग पुरानी रंजिश को लेकर बराबर जान माल की धमकी देते रहते हैं, जिसके कारण परिवार के लोग बाहर इधर उधर रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों को घर न रहने की वजह से खेती प्रभावित हो गई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस परिवार के सदस्यों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है। बताया कि दबंगों पर कार्रवाई करने के लिए कई बार जनपद के उच्च अधिकारियों के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण उनका हौसला और बुलंद है। हाईकोर्ट एवं दीवानी न्यायालय के आदेश के बाद भी परिजन को सुरक्षा नहीं दी गई। यहाँ हम लोगों के यहाँ झगड़ा हो गई सन 2017 में, मार हो गई, इसमें दो मर गए चौहान भाई, ये सब लोग हमारे घर के मुलजिम हो गए बचे। इसके बाद जो है सब इधर उधर करते करते घर नहीं रह पाते हम लोग, हाईकोर्ट का आदेश हुआ, हाईकोर्ट का आर्डर हुए भी 5 महीना लगभग हो गया और उसमें जो कोई हम लोग सुरक्षा या कोई व्यवस्था नहीं हो पाई घर जाने। जी क्या लेके आए नहीं मिलने का मतलब कि हम लोगों को सुरक्षा चाहिए, हम लोग घर जाएं। और जो लोग केस में मुलजिम है ना, हम सभी लोग मुलजिम तो है नहीं, तो क्या हम लोग घर नहीं रह सकते अपने, तो हम लोगों को घर जाना चाहिए ना। इसमें कोर्ट ने क्या आदेश दिया? आदेश दिया सुरक्षा सहित घर पहुँचाने के लिए, पीएससी लगाने के लिए कहा था। We'll be right back.
श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर सोमवार को संपन्न हुआ। शिविर के समापन अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव मऊ रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में मऊ जनपद से आए वीर रस के प्रसिद्ध युवा कवि पंकज प्रखट ने भी समापन समारोह को अपनी कविताओं के जरिए यादगार बनाया। समापन अवसर पर शिविर में प्रतिभाग करने वाली छात्राओं ने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए।